अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अवैध खनन मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा है कि अखिलेश यादव ने बतौर सीएम एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को अनुमति दे दी थी। सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी तत्कालीन खनन मंत्रियों की जाँच कराने वाली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खनन के लिए जो अवैध पट्टे आवंटित किए गए थे उस वक्त खनन मंत्रालय अखिलेश यादव के पास था। सीबीआई ने कहा है कि अखिलेश यादव ने बतौर सीएम एक ही दिन में 13 पट्टे आवंटित किए और उसमें ई टेंडरिंग की प्रक्रिया के नियमों को तोड़ा गया है, जबकि उन्होंने मात्र 14 लीज की ही मंजूरी ली थी। ये सभी पट्टे 17 फरवरी 2013 को आवंटित किए गए थे। सीबीआई का दावा है कि हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला ने सीएमओ को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 17 फरवरी को पट्टों की अनुमति दे दी गई थी। ये पट्टे 2012 में ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए जारी किए गए थे। जिस तरह से सीबीआई ने अवैध खनन मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ जांच शुरू की है, उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। अपने खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि विपक्षी दलों की एकता से डरकर अब भाजपा सीबीआई का गलत उपयोग करने पर उतारू हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सीबीआई और ऐसे कौन से सबूत जुटाती है जो अखिलेश के खिलाफ होंगे और अखिलेश यादव इनका जवाब कैसे देते हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।